रायता बनाने के लिए हमें चाहिए रायता, कड़ी पत्ती, मिर्ची, दो बड़े प्याज, एक बड़ा टमाटर, एक बड़ा चम्मच तेल हमने कढ़ाई में गर्म कर लिया है। तेल गर्म होने के बाद हम कड़ी पत्ती, मिर्ची, प्याज को डाल देंगे और भून लेंगे। इसमें हम टमाटर को डालेंगे, एक चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे हम, आधा चम्मच पीसी मिर्ची डाल रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भूंज लेंगे। इसमें एक कटोरी मट्ठा डालेंगे, दो गिलास पानी डालेंगे और उबाल आने देंगे। तो उबाल आने, अब इसमें हम रायता डाल देंगे, तो 10 मिनट तक पकाएंगे। अब हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। ये अब बिल्कुल बनकर तैयार हो गई रायता की सब्जी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, बेल आइकन का बटन जरूर टच कीजिएगा। धन्यवाद।